नारायण स्वामी जी का नाम आपने सुना होगा। ब्रज साहित्य परिषद न्यास श्री नारायण स्वामी जी की भी जयंती मनाता है कुसुम सरोवर पे। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने ब्रज साहित्य परिषद न्यास की स्थापना करके जिन रसिकों की आचार्यों की जयंतियां उत्सव कोई नहीं मनाता था, सब भूल गए थे, उसको महाराज जी ने सन 74 में स्थापना करके और एक एक कार्य महाराज जी ने आरंभ किया। तो नारायण स्वामी जी, उनका निकुंज गमन कैसे हुआ? प्रेम की प्रगाढ़ता नारायण स्वामी जी की इतनी बढ़ गई कि ब्रज के एक एक वृक्ष एक एक लता से लिपट लिपट करके वे रोते थे। और ये एक दिन दो दिन की बात नहीं, अहर्निश ऐसी वृत्ति उनकी हो गई। और अंत में जब उनका देह त्याग हुआ तो एक तमाल वृक्ष से लिपट करके ही उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। महाराज जी ऐसे आबद्ध हो गए थे आलिंगन में वृक्ष के कि उनके शरीर को प्रयास पूर्वक अलग करके तब समाधिस्थ करना पड़ा, उनको ब्रजरज प्राप्ति करानी पड़ी। ये है भैया, इस भाव से जो वृंदावन के लतापता वृक्षों को प्रणाम करते हैं वे धन्य हैं, ये सामान्य नहीं है, बहुत पुरानी बात नहीं है। यहीं गिरिराज जी की परिक्रमा में आने और जब चलते हैं, जहां पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी लगभग 9-10 वर्ष विराजे भरद्वाज निवास, भरद्वाज जी के यहां, वहां दो वृक्ष हैं तमाल के हैं ना बाबू, हैं दोनों कदम के वृक्ष हैं। बाबा ठाकुरदास जी महाराज वहां विराज रहे थे और अकस्मात बाबा रात्रि को उठे, बोले दो महापुरुष पधारे हैं, उनका स्वागत करो। और उन्होंने दोनों वृक्षों का पूजन किया। किस रूप में? हैं? हाँ जी, नहीं कौन 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 के स्वरूप? एक तो बाबा श्री बालकृष्ण दास जी महाराज बिणमृत कुंज वाले महाराज जी, और दूसरे हैं श्री राधा बाबा। एक में भाई जी हैं, एक में राधा बाबा। तो बाबा श्री ठाकुरदास जी ने दर्शन किया उन वृक्षों में, एक में भाई जी का दर्शन किया, एक में राधा बाबा का दर्शन किया। आज भी वो वृक्ष हैं और बाबा जब तक वहां विराजे उनका स्पर्श करते थे, ऐसा हमने सुना है। श्री गणपत बाबा को जानकारी होगी, बाबा ऐसी बात है ना, दो वृक्ष हैं। हाँ कल गए थे परमन जी, तो दंडवत और आलिंगन करके आए उन वृक्षों का। माने ये सामान्य प्रकृति नहीं है, इन लता पताओं में कौन कौन महापुरुष विराजमान हैं इसको हम लोग नहीं जान सकते हैं। ऐसे वे जीव धन्य हैं जिनको इस प्रकार का भाव प्राप्त है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वो नारायण स्वामी जी महाराज जिनके क्या कहना, एक से एक बढ़कर के भाव हैं। वे कहते प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो, प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो। यो तो ही देखी यो सुख पावत,
सो बड़ देखी यो सुख पावत सो बड़ भागन बारो सो बड़ भागन बारो प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्रीतम तू जीवन धन सर्वस तू ही तू जीवन धन सर्वस तू ही दृगन को तारो तू ही दृगन को तारो जो तो को पल भर न निहारू जो तो को पल भर निहारू जो तो को पल भर न निहारू दीखत जग अंधियारो दीखत प्रीतम तू मुहि प्राण ते प्यारो प्रीतम तू मुहि प्राण ते प्यारो मोद बढ़ावन के कारण हम मानिनी रूपहिं धारो नारायण हम दो एक हैं फूल सुगंध नान्यारो प्रीतम हम दो एक हैं हे नारायण हम दो एक हैं फूल सुगंध नान्यारो प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो प्रीतम तू मोहि प्राण ते प्यारो। यही नारायण स्वामी जी का ये कवित्व तो बहुत ही प्रसिद्ध है, सब प्राय सबको कंठस्थ है। चाहे तू योग कर भ्रुकुटी मध्य ध्यान धर चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही ऐसो तत्व ज्ञान निज मन में तू धार ले। नारायण अपने को आप ही बखान कर मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। जौलो तो ही नंद को कुमार ना ही दृष्टि पर्यो तौलो तू भेट बैठ भले ब्रह्म को विचार ले। इनकी दृष्टि पड़ने के बाद फिर तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे। जाही लगन लगी घन श्याम की धरत है पग परत है कितहु सुध नहीं तन छाया घाम की जाही लगन लगी घन श्याम की।